हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरतीज फूड्स एंड फ्लेवर्स। आज मैं आपके लिए लौकी की सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। लेकिन मूड मत खराब करिए फ्रेंड्स, आज मैं लौकी की सब्जी को इतने टेस्टी, इतने मज़ेदार ढंग से बनाना सिखाऊंगी कि आपका दिल भी खुश हो जाएगा और आपके बच्चे भी बहुत मज़े से उसको खाएंगे। तो अंत तक मेरी रेसिपी को ज़रूर देखिए और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज मैं बनाऊंगी आपके लिए लौकी और मूंग बड़ी की सब्जी और उसमें बहुत अच्छे चटपटे मसाले यूज़ किए हैं जिससे बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं लौकी मूंग बड़ी की सब्जी। सबसे पहले हम मसाले का पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है आधा कप पानी, जिसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। इन सबको अच्छी तरह से घोलकर एक थिन सा पेस्ट तैयार करना है। अब मैं एक कढ़ाई में 1 टीस्पून तेल लूंगी और इसमें मैंने मूंग बड़ी जो आधा बॉल है वो ली है। इसको अब मैं इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अच्छी तरह चलाते जाएंगे और जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएगी तब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए गोल्डन फ्राई हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। आप कोई भी मूंग बड़ी यूज कर सकते हो। अब मैं उसी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल लूंगी, उसमें डालना है 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून राई और उसके बाद 3-4 तेज पत्ता और 2 लाल मिर्च डालूंगी। अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसमें मैं 3 मीडियम साइज के प्याज, जिसको मैंने बहुत ही बारीक बारीक काट लिया था, उसको डालूंगी। अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। अभी गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए टमाटर 1/2 बॉल। टमाटर अच्छे से पक जाए उसके लिए मैं 1/2 टीस्पून नमक भी डाल दूंगी। नमक डालने से टमाटर अच्छी तरह से पकते हैं। तो अब इसको थोड़ा ढक के हमें पकाना है ताकि टमाटर प्याज सब अच्छे तरह से पक जाए। ये देखिए अच्छे तरह से पक गए हैं। अब इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था थिन पेस्ट मसालों का, वो डालेंगे। अच्छी तरह से पूरा चम्मच से हिलाकर डालना है ताकि नीचे मसाले मसाले ना रहे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक के लिए चलाएंगे। आप देखेंगे थोड़ा सा मसाले जो है वो तेल छोड़ने लगे हैं। अब इसमें जो मूंग बड़ी हमने फ्राई की थी उसको मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 बॉल बॉइल्ड मटर। मटर डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और अब इसमें हम डाल देंगे लौकी, 1 मीडियम साइज की लौकी मैंने ली थी, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। लौकी को हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। आधा कप पानी मैं इसमें डालूंगी, इसमें 1 टीस्पून नमक डालूंगी और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। सबको अच्छी तरह से मिलाने के बाद अच्छे से ढक देंगे और इसको 3-4 मिनट तक पकाना है। और उसके बाद ऐसे ही ढकते हुए तब तक इसको पकाना है जब तक लौकी अच्छे से पक नहीं जाती है। अब हम चेक करेंगे, इसको थोड़ा सा देखेंगे तोड़ के, लौकी पक गई है। अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैगी मसाला डालेंगे, 1/2 बॉल पानी डालेंगे। इसी से सब्जी का टेस्ट एकदम बढ़ जाएगा और बच्चे भी इसको इजीली खाते हैं, बहुत मज़े से खाते हैं बच्चे भी। अच्छी तरह से मिला के थोड़ी देर और पकाएंगे। ये देखिए हमारी मूंग बड़ी की सब्जी एकदम तैयार है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स और इसका स्वाद इतना चटपटा है कि बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है और साथ में ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी है और डिलीशियस तो है ही। थोड़ा सा हरी धनिया से गार्निश कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप ये सब्जी बच्चों को खिलाइए, उनको बहुत बहुत अच्छी लगेगी। होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। मेरी नई नई रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।